नमस्कार मैं ऋतुराज टाइम एटर दर्शक मुहूर्त लिशो गुरुत्वपूर्ण खबर सचा मुसलमान केतियाओ बिजेपिक भूत निदिये आर एस एस और बिजेपिर प्रधान शत्रु सचा मुसलमान सकल यह मंतव्य कर समाजवादी पार्टी एगराकी नेताय और मंतव्यर पाछते एटा सम्प्रति चर्चा आरम्भ हैछे तार समान्तरालक देखिबले पोवा गल आसादुद्दीन ओवैसीर AIMM दलटो बिजेपिर बी टीम बुली अभिहित करिछे समाजवादी पार्टीर नेतागराकी एई डांगर खबर टाइम एटर दर्शकसकलक जनाय लैछे सचा मुसलमाने केतियाओ बिजेपिक भोट निदिये बुली मंतव्य प्रकाश करार पाछते एटा सर्वत्रे चर्चा आरम्भ हैछे বিজেপি আর আর এস এসর প্রধান শত্রু মুসলমান আর এস এসর বিচারধারা মুসলমানের বিরুদ্ধ যার বাবে বিজেপি আর আর এস এসর প্রধান শত্রু মুসলমান বলে উল্লেখ করলে সমাজবাদী পার্টির এগারী নেতায় প্রকৃত মুসলমানে কেতিয়াও বিজেপিক ভোট নিদিয়ে বলে মন্তব্য প্রকাশ করার পাছতে সম্প্রতি সরব চর্চা আরম্ভ হয়েছে মুসলমানক অত্যাচার চলোৱা কাম কৰিছে বিজেপিয়ে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসকল মুসলমানে বিজেপিক ভোট দিছে আর এস এসক সমৰ্থন কৰিছে সেইসকল মুসলমান প্রকৃত মুসলমান নহয় আসাদুদ্দিন ওয়েসি বিজেপির বি টিম বুলি মন্তব্য প্রকাশ কৰিছে সমাজবাদী পার্টির এগারী নেতায় আর তার পাছতে এতিয়া সর্বত্রে চর্চা আরম্ভ হয়েছে এই বিস্ফোরক মন্তব্য কৰিছে সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক ইকবাল মেহমুদে আর ইকবাল মেহমুদর এই মন্তব্যর পাছতেই এতিয়া রাজনৈতিক মহলত প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে তাই মিটার সোফাল স্ক্রিনত দেখাই থাকা স্থির চিত্রখনলে মন করব সমাজবাদী পার্টির এইগারী বিধায়ক ইকবাল মেহমুদ আর ইকবাল মেহমুদে কেতবর মন্তব্য প্রকাশ করা পরিলক্ষিত হয়েছে প্রকৃত মুসলমানে কেতিয়াও বিজেপিক ভোট নিদিয়ে আর এস এস আর বিজেপির প্রধান শত্রু হয়েছে মুসলমান আর এস এসর আদর্শ বিজেপির আদর্শ মুসলমান বিরুদ্ধ যার বাবে যখন মুসলমানে বিজেপি অথবা আর এস এসক সমর্থন করেছে সেই সকল প্রকৃত মুসলমান নহয় বলে আও পক্ষাক উল্লেখ করেছে আর এস এসর বিচারধারা মুসলমানের বিরুদ্ধ হওয়ার বাবে এতিয়া প্রকৃত মুসলমান সকলে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে আর যখন ভোট দিয়ে সেই সকল প্রকৃত মুসলমান নহয় বলে উল্লেখ করেছে এইগারী ইকবাল মেহমুদে আর ওয়েসি বিজেপির বি টিম বলে মন্তব্য প্রকাশ করার পাছতে এটা প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে রাজনৈতিক মহল कर रही है। अभी हाल ही में मुसलमानों की ओर से सम्मेलन आयोजित हुआ था पसमंदा समाज का, तो क्या मुसलमान बीजेपी से जुड़ पाएगा? जितने लालची लोग हैं वो उससे जुड़ रहे हैं, मुसलमान तो नहीं जुड़ रहा। मुसलमान जानता है कि इससे सबसे बड़ा अगर हमारा कोई दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है। उनका हर वो प्रोग्राम होता है जिसमें मुसलमानों की मुखालफत होती है। देश का पता नहीं किधर जा रहा है, मुसलमानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। मुसलमानों को परेशान कर कर अक्सरियत के लोगों को ये खुश करना चाहते हैं, मगर ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। आपने आरएसएस की बात की, मोहन भागवत तो इमाम साहब से मिले थे और उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं को एक करने की भाईचारे की बात की थी। आरएसएस किससे मिल रही है और कौन किससे मिल रहा है, मिलने जुलने की कोई बात नहीं है, मगर उनकी आइडियोलॉजी मुसलमानों की मुखालफत में रही है। अगर वो अपने आइडियोलॉजी में तब्दील लाएंगे तो हो सकता है कुछ सोचने विचारने की बात आ जाए। हमारे गाँव में हमारे जो आलिम लोग हैं अगर उनकी बात से मुतमिन होते तो उनका रिएक्शन कुछ ना कुछ आ जाता, मगर आरएसएस जो है कट्टर मुस्लिम विरोधी संगठन है और ये वो संगठन है जिसने बापू तक की हत्या कर दी। संगठन के लोग ने अगर गॉड से जो था वो वाला आदमी था, इसने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। ये लोग गॉड से वो पूछते हैं यार और गांधी को बुराई करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कैसे यकीन कर लें कि जिसने देश को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई गांधी जी ने, उसके ही ये मुखालिफ है। तो हम ऐसे कर लेंगे, हमारे माँ बाप नहीं बोल सकते, हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं। इमाम साहब ने तो मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा, उनकी अपनी नज़र में राष्ट्रपिता हो सकते हैं।